हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से एक मेजर ऑपरेशन में आज एक इंटर स्टेट स्मगलिंग गैंग जो रेड सैंड वुड का स्मगलिंग करते थे उनका गिरफ्तारी हुआ। रेड सैंडर्स वुड का स्मगलिंग बहुत दिनों से होता रहा है और हमारे टास्क फोर्स को एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब आज ये लोग ऑपरेशन किए तो उसमें 2500 किलोग्राम यानी कि 2.5 टन्स ऑफ रेड सैंडर्स वुड जिसका स्मगलिंग हो रहा था उसका सीजर हुआ। और इस पूरे ऑपरेशन में रेड सैंडर्स 2.5 टन वुड के अलावा एक गाड़ी और 5 सेलफोन का भी रिकवरी हुआ। हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेप्टी रेंज ऑफिसर ज्योति मैडम से कांटेक्ट करके कंफर्मेशन भी किया कि ये पूरी रिकवरी रेड सैंडर्स वुड की ही है जिसका बॉटनिकल नेम टेरोकैपस सैंटालिनस है। जैसा कि आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल मार्केट में रेड सैंडर्स वुड का बहुत ज़्यादा डिमांड है वेरियस पर्पस के लिए, खास करके चाइना, और ये रीसेंट टाइम में एक बहुत बड़ा डिटेक्शन ऑफ स्मगलिंग गैंग हमारे टास्क फोर्स के तरफ से हुआ है। इस एंटायर ऑपरेशन में जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनका डिस्क्रिप्शन एन राधाकिशन सन ऑफ एन यारप्पा एज 40 इयर्स जो कि रियल एस्टेट का ऑक्यूपेशन करता है और टेम्पररी कृष्णा अपार्टमेंट अमीरपेट में का रहने वाला है और ओरिजिनली वेणुगोपाल नगर अनंतपुर आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा स्मगलर के चंद्रा सन ऑफ के गोपाल एज 34 इयर्स, ये ऑक्यूपेशन ड्राइवर का काम करता है, रेसिडेंट ऑफ भुक्काराय समुद्रम रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट अनंतपुरम आंध्र प्रदेश। ये जो नंबर वन और नंबर टू ऑफेंडर्स हैं ये लोग अनंतपुर के रहने वाले हैं और ये लोग इस लकड़ी को रेड सैंडर्स वुड को लंकामला रिजर्व फॉरेस्ट कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट से लेकर बेदाशाहपुर रंगारेड्डी लाने का इनका पूरा प्लान था। इसमें जो थर्ड ऑफेंडर है एन चेन्नैया एलियस पन्नी सन ऑफ वेंकटैया एज 25 ईयर्स, ये जूनियर असिस्टेंट का काम करता है ऑपोजिट बिग बाजार में, ओरिजिनली नवाबपेट महबूब नगर का रहने वाला है और ये परचेजर से मीडिएट भी करता था खरीद बिक्री के लिए। उसके अलावा राम सेवक कुमार सन ऑफ महेंद्र एज 32, ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला है जो कि एक फार्म हाउस में वॉचमैन का काम करता था। इस चार क्रिमिनल को अरेस्ट करने के बाद पता चला कि इसमें एक और ऑफेंडर है शिवा एलियस चंद्रा जो अभी एब्सकॉन्डिंग है और उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। तो अभी तक के हिसाब से रेड सैंडर्स वुड टोटल 2.5 टन्स इसकी रिकवरी हुई, एक होंडा सिटी कार और 5 सेलफोन। ये पूरा जो नल्लानी राधा कृष्णा जो पूरा लीडर है इसका अनंतपुर का, ये डिग्री तक अपना पढ़ाई किया, उसके बाद ये छोटी मोटी बिजनेस भी इसने की, रियल इस्टेट की बिजनेस, माइनिंग कोकोनट और इस तरह का और सब बिजनेस। उसके बाद इसको शॉर्टकट में पैसा कमाने का बहुत मन था और इसी सिलसिले में ये रेड सैंडर्स स्मगलिंग में भी शुरू किया और इसका पहला मुलाकात गंगी रेड्डी गैंग एक है स्मगलिंग का जो कि गैंग लीडर है कड़पा का, और उससे मिलकर बाद में ये शिवा एलियस चंद्रा जो प्रोदटूर कड़पा आंध्र प्रदेश का रहने वाला है उससे बात करके ये लोग 2.5 टन्स ऑफ रेड सैंडर्स लंकामला रिजर्व फॉरेस्ट कड़पा से वहाँ से ये लोग लेकर आए। शुरू में ये लोग बात कर रहे थे 400 रुपीज़ एक केजी का,
जिस पर ये लोग इन्होंने खरीदे और इंटरनेशनल मार्केट में इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेट है। उसके बाद ये लोग के चंद्रा ड्राइवर के साथ मिलकर और राम सेवक कुमार जो कि सिक्योरिटी गार्ड है एक राविया गार्डन पेदा शाहपुर विलेज रंगारेड्डी, ये लोग से सब मिल करके 10,000 रुपीज पर मंथ का रेंट के लिए भी ये लोग बात किए थे और बाद में डिस्पोजल तक के लिए। तो आज सुबह अर्ली आवर्स में ये राधा कृष्णा चेन्नैया एलियस बन्नी रेसिडेंट ऑफ महबूब नगर एंड चंद्रा, ये लोग एक फेक नंबर प्लेट के कार से घूम रहे थे जिसमें कि हमारे टास्क फोर्स साउथ जोन को ये टिप ऑफ एक इन्फॉर्मेशन आया और उसके बेसिस पर ये लोग ऑपरेशन किए और तुरंत 2.5 टन्स ऑफ रेड सैंडर्स का सीजर हुआ। ये पूरा मटेरियल और अरेस्टेड लोग के साथ पंजागुट्टा एसएचए को हैंडओवर किया जाएगा। ये एंटायर ऑपरेशन में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती और उनके साथ एस राघवेंद्रा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन एंड एसआई श्री साइलम वी नरेंद्र मोहम्मद हकीउद्दीन।